हे गाइस, दिस इज आनंद। और आज हम लोग बात करेंगे कि आप अगर किसी कंपनी में हो या यूनिवर्सिटी में हो तो आपको ऑफिस अगर इंस्टॉल करना है तो आप कैसे करोगे। तो मैंने दो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक ये ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल का है और एक ये पेज है ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल का। तो सबसे पहले आपको कस्टमाइजेशन टूल वाला पेज खोलना है और यहाँ पर आप आ जाओ, 64 बिट आपको सेलेक्ट करना है और ऑफिस सूट में आप यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ही कर लेना, ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2024। फिर नीचे आएंगे हम लोग और यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। यहाँ से आपको जो जो करना है वो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ पावर पॉइंट और वर्ड और एक्सेल कर रहा हूँ, बाकी सबको ऑफ कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स करेंगे। नीचे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर अनइंस्टॉल करने के लिए जो दे रहा है इसको ऑफ कर देंगे। नीचे आएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे और फिर इधर साइड में कर्सर करके नीचे जाएंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे XML फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर डिप्लॉयमेंट टूल वाले पेज पर आएंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको इसे कट कर देना है और एक फोल्डर आप बना लो डेस्कटॉप पे ऑफिस 2024 के नाम से। ओके, अब डाउनलोड फोल्डर में चलेंगे और जो कॉन्फ़िगरेशन डॉट एक्सएमएल फाइल है इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको उस फोल्डर में जो बनाया हमने उसमें पेस्ट करेंगे। फिर से डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे और जो डेवलपमेंट टूल है इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो ये पूछेगा कि आप कहाँ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ऑफिस 2024 जो हमने फोल्डर बनाया उसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, अब इसको फोल्डर को खोलेंगे जो हमने बनाया है और यहाँ पे ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ऐसे कॉपी करने के लिए देगा, तो इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद कट कर देंगे और यहाँ पर CMD सर्च करेंगे, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पर CD लिखेंगे और जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देंगे और इंटर करेंगे। और फिर एक दूसरा कमांड डालेंगे, सेटअप स्पेस फॉरवर्ड स्लैश कॉन्फिगर स्पेस कॉन्फिग्रेशन डॉट XML। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, अच्छे से देख कर कमांड डालना और फिर इंटर करेंगे तो आपका ऑफिस का इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया हुआ है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर एरर आ रहा है तो आप ये वीडियो देख सकते हो और उस हिसाब से फिर ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है, थोड़ी देर में आपका ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ऑफिस हमारा इंस्टॉल हो गया है, यहाँ से क्लोज कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे और अब आप जा करके जो भी आपको खोलना हो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वो खोल सकते हो। यहाँ से ऑल एप्स में आप जाओगे और यहाँ से आपको जो भी खोलना है वो खोल सकते हो। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट अभी एक्टिवेट नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ अभी डाउनलोड किया है, ये एक्टिवेट अभी करना बाकी है। यहाँ पर अकाउंट में आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्टिवेशन रिक्वायर्ड लिख रहा है। तो ये कैसे एक्टिवेट होगा, तो आप जब अपने यूनिवर्सिटी के या कंपनी के KMS सर्वर से कनेक्ट करोगे, जब कनेक्ट होगा आपका सिस्टम तो ये एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।